हेलो एवरीवन नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अड्डा 247 एंड दिस इज़ द हिंदू करंट अफेयर्स शो जहां पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर से सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को And uh, what is special about today's session? Today we have many many important headlines, specially targeted for banking students and banking aspirants, LIC aspirants. सी तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सेशन को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सबके साथ ये शेयर कर दूँ कि कुछ सर इज़ नॉट हियर टुडे। सो फ्रॉम टुमोरो ही विल भी कंटिन्यूंग विथ दी हिंदू न्यूज़ पेपर एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस दी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम दी हिंदू न्यूज़

चलिए तो कल का कल का एक सबसे बड़ा न्यूज तो आप सभी लोगों को पता होगा दैट वी नाउ हैव एन एंटी सेटेलाइट मिसाइल एज वेल तो वो सभी न्यूज़ भी हम यहाँ पे कवर करेंगे वी विल ऑल्सो कवर सम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज एंड एवरी न्यूज़ टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन राइट तो राजेश तरुण राजू चलिए शुरू करते हैं सेशन को लेट एस बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज हेडिंग ऑफ द डे टूडे राइट तो सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ हेडिंग है आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है वो डे बाय डे बढ़ रहा है अब इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे वजह क्या है इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो वजह है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वो है आपका मीथेन वो है आपका और भी बहुत सारे ऐसे गैसेस या फिर सिंपली वाटर वेपर भी जो है वो भी कभी कभी बाकी चीज़ों के साथ मिक्सअप होके एक ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है राइट right? तो अब अगर हम बात करें इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो अब तक जो आप सभी लोगों ने सुना होगा दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर द टॉप मोस्ट टू कंट्रीज इन दिस सीओ टू अमिशन बट नाउ वी आर आल्सो नॉट फार बिहाइंड नाउ देयर आर थ्री कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स चाइना एंड इंडिया सो दीस थ्री कंट्रीज टूगैदर यूनाइटेड स्टेट्स चाइना एंड अमेरिका आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% परसेंट ऑफ द एमिशंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो हम तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं चाइना यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 70% परसेंट ऑफ राइज इन दी एनर्जी डिमांड और ये जो 70% परसेंट राइस हुआ है किसके वजह से हुआ है हम तीन कंट्रीज के वजह से यहाँ पे ये राइज देखने को मिला है राइट सो दिस इज द ट्रेंड दैट इज़ बीम सेट अब इसके वजह से क्या हो सकता है दिक्कत हो सकता है आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग का समस्या हो सकता है और अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो फिर ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं ग्लेशियर्स के पानी के वजह से छोटे मोटे जो आइलैंड्स है वो भी डूब सकते हैं राइट right? तो इसीलिए जरूरी क्या है जरूरी ये है कि हम कोशिश करें आदर एनर्जी फॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ने का हम कमिटमेंट रखें आदर जो आपका आ, कन्वेंशनल सोर्स है उनकी तरफ आगे बढ़ने का और हम कोशिश करें कि सोलर पावर वगैरह जो है ये सब हम यूज़ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा राइट right? चलिए अब देखते हैं इस हेडिंग के बारे में कुछ खास बातें या फिर कुछ खास ट्रेंड्स तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है दिस इज अ डार्क ट्रेंड दिस इज नॉट गुड इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि कोयले का उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं वी आर यूजिंग मोर ऑफ कोल दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग हैड वी बीन यूजिंग मोर ऑफ सोलर एनर्जी एक्सेट्रा विंड एनर्जी एक्सेट्रा इन दैट केस ये डार्क ट्रेंड हमको नहीं देखने को मिलता राइट तो अभी भी कोल जो कि कन्वेंशनल है अभी भी हम उसी को यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी वी शुड बी यूजिंग इट मोर राइट अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी शुड बी यूजिंग इट मोर एंड नॉट कोल एनर्जी बिकॉज अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर विल इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ में इंक्रीज एंड इट कैन लीड टू डिजास्टर राइट तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है विच थ्री कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवेंटी परसेंट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड कौन से तीन देश ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि सेवेंटी परसेंट एनर्जी डिमांड को इंक्रीज करने के पीछे आंसर क्या होगा चाइना यूएस एंड इंडिया कौन से दो कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना राइट सो वी आर नॉट फार बिहाइंड वी आर इन यू कैन सी जो यहाँ पे ट्रेंड आपको दिख रहा है आप देख पा रहे हो चाइना टू सेवन सेवन वन उसके ऊपर यूएस फोर फिफ्टी वन एंड इंडिया इज सिक्स हंड्रेड परसेंट सो यूएस इज गोइंग नेगेटिव ट्रेंड वो धीरे धीरे अपना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एमिशन को कम कर रहा है इंडिया इज इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड वी हैव इंक्रीज बाई फाइव परसेंट विच इज ह्यूज राइट अगर ये वन परसेंट टू परसेंट अगर आपको बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं लग रहा है देन जस्ट पार्क योर कार बिलो द सन सन के नीचे पार्क करके रखिए और उसके बाद आधे घंटे बाद गेट इन साइड योर कार एंड यू विल सी द डिफरेंस कि ये थोड़ा बहुत चेंज इन टेम्परेचर हाउ ड्रास्टिकली इट कैन एफेक्ट यू क्लियर है न्यूज हेडलाइंस चलिए आगे बढ़ते हैं अस प्रोसीड टू इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अप बाय 5 परसेंट यूएस लेस बाय माइनस फोर पॉइंट इंडिया इंक्रीज बाय 5 परसेंट कितना हम लोग रिलीज कर रहे हैं एमिटेड 2299 मिलियन टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू स्टेट्स एंड चाइना क्योंकि ग्रोथ के परसेंटेज के हिसाब से देखे तो उन्होंने वन परसेंट और यूएस ने तो माइनस किया बट इंडिया ने फाइव किया चाइना यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टूगे अकाउंटेड फॉर नियरलीसेंट ऑफ दिनर्जी डिमांड अकॉर्डिंग टू दी आई आई इसका मतलब क्या है अब यहाँ पे देखिए वेन इन इन दिस पर्टिकुलर एंटायर न्यूज हेडलाइन यू कुड सी दैट देव टॉक्ट अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक बार यहां पर ध्यान से देखिए दीज ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई ई ए नंबर वन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई ई ए नंबर टू देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नंबर टू क्या है यू एन एफ सी 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 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज राइट सो दिस इज नंबर टू फुल फॉर्म जो आपको पूछा जा सकता है इन्होंने कहा था कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम रिड्यूस करेंगे अपने सीओ टू अमिशन को तो ये दोनों ही फुल फॉर्म्स यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है बाय द वे यूएस का कैसे कम हुआ क्योंकि यूएस इज यूजिंग मोर ऑफ योर ऑयल एक्सेट्रा गैस एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ कोल सो इसी वजह से यूएस का आपका एमिशन यहाँ पे कम हुआ है राइट right? अब कुछ और डिटेल्स uh, डिस्कस कर लेते हैं इट इज पेरिस्ट बेस्ड ऑटोनोमस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है इसका बेस uh, कहां पे है इट इज देर इन पेरिस नंबर टू अच्छा एक चीज आप और बता सकते हैं आईफिल टावर जो है आईफिल टावर वो तो चौबीसों घंटे लाइट से जगमगाता रहता है हाउ कम इज इट पॉसिबल हाउ कम आईफिल टावर इज एफोर्टिंग सो मच ऑफ एनर्जी एनी बडी कैन गिव मी आंसर क्या वो कोल से जला रहे हैं ऑप्शन नंबर वन क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी से जला रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी तो थोप के भाव में मिलता है वंस यू आर एबल टू जनरेटेड तो क्या वो कोल से आर दे लाइटिंग द आई फिल ट यू सी इन द मूवी और यू हैव विजिटेड इन पैरिस सो नंबर टू न्यूक्लियर एनर्जी नंबर थ्री विंड एनर्जी से एंड नंबर थ्री नंबर फोर नान

ओ ई सी डी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन आई ई ए वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सेवेंटी फोर टोटल देर आर थर्टी मेम्बर्स राइट सो दिस इज देट दे कैन आस्क यू अबाउट द आई ई ए नॉर्मलीट इट इज बेस्ड इन पैरिस दैट्स ऑल यू आफ्टर रिमेंबर हिंदी में भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल नेक्स्ट इज वॉट इज मैन केडिंग हैव यू हर्ड अबाउट मैनकेडिंग अगर कभी क्रिकेट खेल रहे हो तो बचपन से आपके बचपन से ही ये चीज़ चल रहा होगा राइट दैट फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है जो स्ट्राइक कर रहा है ठीक है एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते है सी व्हाट डू वी मीन बाय अ स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो स्ट्राइक कर रहा है जो मार रहा है वो आपका स्ट्राइकिंग बैट्समैन है ंग जो ऑपोजिट साइड में दूसरा इंसान रन लेने के लिए खड़ा होता है ना देट इज यंग बैट्समैन ओके सो देर आर टू प्लेयर्स वन हुटिंग हु इज स्ट्राइकिंग अनादर हु इज द नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन हू इज देयर टू टेक द रन अगर रन लेके वो इधर आ गया एक रन लेने के बाद देन ही इज द स्ट्राइकिंग बैट्समैन एंड द अनादर पर्सन इज द नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन नाउ इफ द स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो की बल्लेबाजी कर रहा है राइट इफ द स्ट्राइकिंग बैट्समैन इज रेडी टू हिट द बॉल एंड द नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन इज रेडी टू रन कि चलो रन ले लेते हैं तो बचपन में कभी ऐसा किया था कि बॉल फेंकने से पहले अगर ये नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन थोड़ा आगे बढ़ गया तो स्टैम्प में लगा दिया भाई आउट यस यस और नो डैट सिंपल थिंग इज योर मैनकीडिंग डिड यू अंडरस्टैंड वॉट इज नॉ मैनकीडिंग समझ में आ गया सबको नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन सोच रहा है कि हाँ मैं रन लूंगा और वो थोड़ा सा आगे आ गया वो जो लाइन खींचा होता है ना उसे थोड़ा सा आगे आ गया इन दैट पीरियड इट सेल्फ जो बॉलर है उसने बॉल आगे ना फेंक के उसने बॉल को स्ट में लगा दिया कि यू आर आउट स्ट्राइकिंग बैट्समैन इज नॉट आउट द नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन इज आउट क्योंकि वो रन लेने के लिए आगे बढ़ गया दैट इज मैनकेडिंग राइट क्लियर चलिए सो लेट्स कम बैक यहाँ पे uh, जयिता सरकार ने लिख दिया ये एवरीबडी अंडर दिस तो वापस से आ जाते हैं न्यूज में सो मैनकेडिंग इज बेसिकली A way of running out the non striker when रनिंग आउट backing नॉन स्ट्राइकर leaves ही popping बैकिंग before बिफोर ball is bowled बॉल फेंकने के बाद तो स्ट्राइकिंग बैट्स में उसे स्ट्राइक करेगा और इसको तब दौड़ना चाहिए पर ये पहले ही दौड़ गया तो मैंने इधर ही लगा दिया बॉल फेंका ही नहीं ठीक है अब यह टर्म आया कहा से टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लेजेंडरी इंडियन ऑलराउंडर वीनू मनका्ड डिसमिस्ड बिल ब्राउन ट्वाइस जिसने बिल ब्राउन को दो बार डिसमिस किया था इसी तरीके से रन आउट करके अब क्वेश्चन आया कि यह सही है कि यह गलत है तो इस पर थोड़ा सा लोग डाउटफुल थे शुरू शुरू में लेकिन अभी जो है नाउ अच्छा अनादर थिंग ब्रेडमिन हैज ऑल्सो रोट इन हिज ऑटोग बायोग्राफी दैट फॉर दी लाइफ ऑफ मी आई कैंट अंडरस्टैंड वाई दी प्रेस क्वेश्चन हिस् स्पोर्ट्समैनशिप द लॉज ऑफ क्रिकेट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट द नॉन स्ट्राइकर मस्ट कीप विद इन हिज ग्राउंड अंटिल द बॉल हैज बीन डिलीवर्ड तो उन्होंने भी कहा कि क्वेश्चन मार्ग उठाने का जरूरत ही क्या है ये तो क्वाइट क्लियर है ये लॉज के थ्रू है अब जो है मेरिलीबोन क्रिकेट क्लब दैट इज एम जैसे आई होता है राइट जैसे बी होता है उसी तरीके से एम सी क्रिकेट क्लब ने ये कहा है दैट द कस्टोडियन ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट सेड ऑन ट्यूजडे दैट अश्विन मैनकेडिंग ऑफ बटलर विद इन द रूल्स ऑफ द गेम्स तो ये बिल्कुल रूल्स में है आप किसी को भी ऐसे आउट करना चाहे तो बिल्कुल आउट कर सकते हैं राइट सो दिस लॉ इज एसेंशियल क्योंकि इसके बिना जो है द नॉन स्ट्राइकर्स कुड बैकअप एट लिबर्टी सेवरल डाउन द पिच एंड द लॉ इज नीडेड टू प्रिवेंट सच एक्शन तो ताकि कोई क्वेश्चन अब आगे से रह ना जाए टीवी में कोई किसी पे क्वेश्चन ना उठाए तो इसीलिए ये क्लैरिफाई करना जरूरी था कि ये बिल्कुल क्रिकेट के गाइडलाइंस के अंदर है ऐसे आउट किया जा सकता है राइट सो यू हैव टू रिमेंबर दैट

सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले इस एलाइट क्लब में ज्यादा देश नहीं थे नाउ इंडिया इज द फोर्थ वन इन द लिस्ट स्पेस पावर हम लोग अब बन गए हैं और इस पूरे मिशन का नाम क्या है दिस इज योर मिशन शक्ति एग्जाम में जरूर आएगा जरूर से आएगा मिशन शक्ति लॉन्च्ड बाय डी आर डी ओ लॉन्च बाई डी आर डी ओ एग्जाम में फिर से कंफ्यूज मत हो जाना नासा इजरो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा सो लॉन्च बाई डी आर डी ओ इजरो न्यूज में है इजरोसलिए न्यूज में है कल ही बताया था श्री हरिकोटा से ट्वेंटी एट सेटेलाइट प्लस एमीसेट राइट सो द न्यूज एमी सेट इज द इंडिया स्पाई इन द स्काई राइट तो एक ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा और दूसरा जो यहाँ पे अचीवमेंट है दिशन शक्ति लॉन्च बाई डी आर डी ओ जिसमें क्या है टेस्टेड एंटी सेटेलाइट मिसाइल मतलब कोई भी अगर एक सेटेलाइट है उसको हिट करके उसे हम लोग तोड़ सकते हैं उसे खराब कर सकते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दैट इज दी सेटेलाइट मिसाइल और इसने हिट भी किया है एक प्री डिफाइंड टारगेट को जो कि लो ऑर्बिट में था 300 किलोमीटर किलोमीटर्स अवे राइट सो इट इज बेसिकली वॉट इज ए सेट इट इज अ मॉडिफाइड इंटरकॉप्टर इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ द बेलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट इज योर बी एम डी द मिशन वॉज कम्पलीटेड इन थ्री मिनट इस पूरे काम को सेटेलाइट को हिट करने में सिर्फ और सिर्फ तीन मिनट लगे लो अर्थ ऑर्बिट में इसको हमने हिट किया है इससे पहले सिर्फ यूएस रशिया और चाइना थे यूएस थे रशिया एंड चाइना एंड वी आर दोर्थ वन इंडिया तो कल चाइना ने यह कहा कि हम निवेदन करते हैं कि आप कृपया पीस बना के रखें राइट right? तो हमने तो पहले ही बताया था कि हम तो पीस बनाने के लिए ही है ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पे है जिसको डिस्ट्रॉय किया है उस सेटेलाइट का नाम क्या है उसका नाम है माइक्रोसेट आर उसका नाम है माइक्रोसेट आर ये क्या करता था ये एक इमेजिंग सेटेलाइट था जो इमेजेस लेता था कि इसका इमेज ले लिया उसका इमेज ले लिया ऊपर से आप जैसे कि गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हो तो आप लोग इमेजेस ले सकते हो सो इट वॉज इमेजिंग सेटेलाइट तो इस तरीके से इसको भेजा और उसके बाद इस सेटेलाइट को इस इमेजिंग सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया राइट कहां पे टेस्ट कंडक्ट हुआ द टेस्ट वॉज कंडक्टेड अराउंड इलेवन ए एम फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आईलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स डॉक्टर अब्दुल कलाम आईलैंड लैंड कहां पे है? उड़ीसा ये उड़ीसा में है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल्स के बारे में सबसे पहली बात आपको जो जानना चाहिए कि इससे पहले यूएस रशिया चाइना एंड नाउ इंडिया इज अ फोर्थ वन टू हैव एन एंटी सेटेलाइट मिसाइल नाउ अंडरस्टैंड क्या ज़रूरत है एक एंटी सेटेलाइट मिसाइल होने के लिए फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में जो आपका पहले जो वॉर होता था वो ऑयल वगैरह के लिए नेक्स्ट वाटर वगैरह के लिए इन केस देर इज़ लाइक आई आई रियली होप देर इज़ नो थर्ड वर्ल्ड वॉर बट अगर कभी भविष्य में एक चांस भी होता है न थर्ड वर्ल्ड वॉर का देन एवरी बडी विल टारगेट कि सबसे पहले जैसे पहले आप याद कीजिए कि कम्युनिकेशन को तोड़ना है तो आप रेलवे लाइंस को तोड़ते थे एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट में होता है एयरपोर्ट के लाइंस को आप तोड़ते हैं बस स्टॉप्स को आप टारगेट uh, करते हैं सो बेसिकली इन द टाइम ऑफ अ वॉर और अ वॉर लाइक सिचुएशन प्रीवियसली पीपल यूज टू टारगेट दी बस स्टॉप्स और द रेलवे स्टेशन और द एयरपोर्ट्स राइट बट टू ब्रेक डाउन द कमीशन और टू ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन ऑफ अ कंट्री नाउ योर फोन योर टेक्नोलॉजी योर डेटा योर कनेक्टिविटी इज टू बी ब्रोकन बाय दिस थिंग राइट इस तरीके से आज कम्युनिकेशन ब्रेक करने का तरीका है क्योंकि आज तो फोन के बिना पीपल कांट इवन आइडेंटिफाई द रोड तो वो क्या पता अपने घर से अपने गांव ही ना जा पाए उस कंडीशन में राइट right? तो इन दिस सिचुएशन अगर आप ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट को सैटेलाइट के थ्रू ही चल रहा है ज्यादातर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है सैटेलाइट रेडियो आर ट्रांसफर्ड बाई दी आइनोसफियर एंड सैटेलाइट आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अदर परपजेस तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपने पूरा कनेक्टिविटी को तोड़ दिया सो दैट इज वाई नाउ पीपल आर टारगेटिंग दी स्पेस तो कल पाकिस्तान ने भी किया कहा कि स्पेस में कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन के अगेंस्ट जो है स्ट्रांग लॉज हम लोग लेके आए तो एवरीबडी इज वर इट राइट बिकॉज फोर कंट्रीज हैज रीच देयर और अगर दूसरों के आपके सेटेलाइट को टारगेट किया देन इट कैन बी अ बिग इशू फॉर अदर्स एज वेल राइट बट इंडिया डज नॉट हैव दैट पॉलिसी वी आर डूइंग इट फॉर आर कंट्री एंड फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी करते हुए आगे बढ़ते हैं राइट सो दिस इज अबाउट दी एंटी सेटेलाइट मिसाइल दैट इज ए सेट मिसाइल और मिशन का नाम क्या है मिशन शक्ति है कहां से लॉन्च किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया कहां पे है ये उड़ीसा में है किसका प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है राइट right? ऑप्शंस में इसरो हो सकता है नासा हो सकता है डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है किसको हिट किया एक लो अर्थ ऑर्बिट मिसाइल को हिट किया और उसको ब्रिंग डाउन किया इन अ पीरियड ऑफ ओनली थ्री मिनट्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं लेट अस प्रोसीड टू दी नेक्स्ट हेडलाइन ऑस्ट्रेलिया ग्रहम रेड सेट टू बी अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू मेन्स हॉकी कोच अच्छा क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं ऑफिशियली ऑफिशियली वर्ड इज देयर ऑफिशियली इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है ऑफिशियली इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है क्रिकेट है कि हॉकी है कि नन ऑफ दीज है वन टू थ्री क्रिकेट है कि हॉकी है कि नन ऑफ दीज है ऑफिशियली इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है आपको पता होगा नेशनल बर्ड राइट नेशनल फ्लावर एक्सेट्रा

हॉकी इज़ ऑलसो नॉट ऑफिशियली मैं सच बस हम सभी लोग मिलकर इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस वन सपन टाइम वॉज वेरी वेरी गुड हम लोग लगातार जो है मेडल जीतते जा रहे थे राइट ओके ऑस्ट्रेलियन ग्रह रेल्ड इज ऑस्ट्रेलियन ग्रह रेड इज सेट टू बी नेम्ड एज इंडिया मेन्स हॉकी टीम चीफ कोच कब तक टिल 2022 वर्ल्ड कप और तब तक बने रहे उसके बाद सब बढ़िया बढ़िया हो गया तो वर्ल्ड कप में विल ब्रिंग द गोल्ड एज वेल राइट सो द इंडियन मैं टीम इज विदाउट अ चीफ कोच आफ्टर द दिन ऑफ हरेंद्र सिंह इन जनवरी तो इससे पहले जनवरी में हरेंद्र सिंह के बाद थोड़ा सा टाइम देअ वर्स नो कोच एंड सो नाउ ही विल बी द न्यू कोच राइट अ वेटरन ऑफ वन थर्टी इंटरनेशनल मैचेस रेड वॉज अ मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम दट वेडल इन दिन ट्वेंटी टू बार्सिलोना ओलम्पिक्स उन्हें टोटल एक्सपीरियंस वन थर्टी इंटरनेशनल मैच का है और रेड ने जो है बार्सिलोना ओलम्पिक्स में भी सिल्वर मेडल हासिल किया था ऑस्ट्रेलियन टीम ने हासिल किया था ही वॉज ऑस्ट्रेलिया कोच इन टू थाउजेंड सिक्सटीन रियो ओलंपिक्स एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी इंडिया कोच राइट और उनको सैलरी कितना मिलेगा ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर पर मंथ इज दी सैलरी चलिए आगे बढ़ते हैं लेट अस गो टू दी नेक्स्ट हेडलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विन टेक नोबल आप सभी लोगों ने नोबल प्राइस के बारे में सुना होगा नोबल प्राइस राइट बट वॉट इज टेक नोबल टेक अब नोबल प्राइस सिक्स फील्ड तो उसके बाहर हम लोग कैसे नोबल प्राइस दें सो दीज आर लाइक नोबल प्राइज और आर ट्रीटेड एज द टेक्नोलॉजी वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज जैसे इकोनॉमिक्स के लिए तो आपका नोबेल प्राइज है फिजिक्स के लिए तो आपका नोबेल प्राइज है उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए तो नहीं है ना सो दिस इज टेक्नोलॉजी के लिए समथिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू दोबेल प्राइज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी साइड पीपल राइट बट अदरवाइज नोबेल प्राइज इज नोबल प्राइज सो दिस इज लाइक दोबल किसको मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस right another thing that was in the news recently science से related is that sound से जिस तरीके से sound में एक energy होता है उसी तरीके से light में भी एक energy होता है होता है कि नहीं अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ आप कर सकते हो उसी तरीके से लाइट से यू कैन लिफ्ट द objects. देर वॉज अ मेजिशियन ना क्रिस समथिंग सो ही वॉज ही इज लाइक एवरीवेयर इन द इंटरनेट वो ऐसे ऊपर उठते हैं ही कैन राइज अप So, this can be done with light, scientifically, light se light ke say for example, maine is phone ko aise upar uthaaya. So, this is now possible, right. Anyways, this is about the international, this is about the artificial intelligence pioneers, WinTech Nobel, kong kong hai? Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton and Yen Lee Kun, they have won this turning award, that is an honour That has become known as industries, technology industries version of the Nobel Prize. ठीक है तो नाम तीनों आपको यहां पे याद रखना है योशुना बेगिंग Geoffrey हिंटन एंड येन ली कोन इट कम्स विथ क्या मिलता क्या है इसमें वन मिलियन डॉलर प्राइस मिलता है अब वन मिलियन डॉलर का फंडिंग कहां से होता है गूगल करता है वन मिलियन डॉलर प्राइस इज फंडेड बाय गूगल राइट द नेक्स्ट इज द द मार्क्स लेटेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल रोल दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल विलइकली प्ले तो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा काम आएगा ये आपको पता है अभी सोफिया रोबोट इज ऑल्सो देर ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग राइट सो दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोन आप ऐसे जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके से आपका फोन चलता है राइट सो बिग्स बी फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद एपल में सीरी फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो so, आगे बढ़ते हैं आई होप यू कैन रिकोगनाइज हिम हु इज़ ही इफ यू कैन रिकोगनाइज हिम तो बताइए इफ़ यू कांट रिकोगनाइज दिम पांडे जी कहाँ गए हैं नवजोत पांडे कुछ सर इस ही विल बी बैक टू वो कल से आ जाएंगे तो वो थोड़ा छुट्टी पे गए हैं एज अ ह्यूमन बींग राइट चलिए तो आगे बढ़ते हैं सो दिस पर्सन इज योर अगेन अ क्रिकेटर ही इज द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड हिज नेम इज़ ब्रूस यार्डले ब्रूस यार्डले वाईज ही इन न्यूज क्योंकि ऑर्बिचरी सेक्शन यानी कि अभी रिसेंटली कौन फेमस पर्सनैलिटीज का डेथ हुआ है सो ब्रूस यार्डले रिटली ही डाइड एट द एज ऑफ सेवेंटी वन सो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा द्रूस यार्डले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट सो ही इज रिलेटेड टू योर क्रिकेट ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर सो द ऑस्ट्रेलियन बोलर एंड ही वॉज ऑल्सो कोच बट ही डाइड एट द एज ऑफ सेवेंटी वन विद बैटल विथ कैंसर राइट सो टोटल उन्होंने 126 टी सिक्स वेट ऑस्ट्रेलिया के लिए लिए हैं, राइट? सो ही प्लेइंग लिएस्ट्रेलिया थर्टी थ्री टेस्ट मैच में ही ऑल्सो पिक अप थ्री फोर्टी फोर विकेट्स इन अ फर्स्ट क्लास कैरियर दैट स्पेन ट्वेंटी फोर ईयर्स तो टोटल जो है उनका जो खेलने का जो उनका पूरा पीरियड था दैट इज योर ट्वेंटी फोर ईयर्स कैरियर राइट सो लेट्स प्रोसीड विद दी नेक्स्ट हेडलाइन ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 ये एक इंडेक्स है जो कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इस इंडेक्स में टोटल कितने कंट्रीज को रैंकिंग किया गया दिस इंडेक्स कंपेयर्स दी एनर्जी सोर्सेस सेक्टर्स ऑफ 115 कंट्रीज जिसमें यह पाया गया है कि स्वीडन ने इस लिस्ट को टॉप किया है ऑब्वियसली और टॉप थ्री कौन है स्वीडन नॉर्वे और स्विट्जरलैंड चाइना का रैंक जो है वो एटी सेकेंड आया है बट हमें क्या चाहिए कि इंडिया का रैंक जो है वो सेवेंटी सिक्स आया है तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बनेगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टू थाउजेंड नाइन में इंडिया का रैंक कितना है आंसर सेवेंटी सिक्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन में दैट इज लूज टू विन हारे हुए को बाजीगर कहते हैं राइट सो लूज टू विन प्रोग्राम ऑफ यू यूनाइटेड अरब्स का एक आपका प्रोग्राम है दैट इज लूज हार जाओ जीतने के लिए हार जाओ लूज टू विन वॉट इज इट द गवर्नमेंट ऑफ यू एज लॉन्च लूज टू विन प्रोग्राम टू एसिस्ट किसके लिए असिस्ट करने के लिए टू एसिस्ट ओवर वेट एम्प्लॉय जिसका वजन ज्यादा है बी एम आई से जिसका वजन ज्यादा है टू लूज दॉर द्लॉयज इन शेडिंग एक्स्ट्रा किलोज एंड एडोप्टेल्दी लाइफ स्टाइल अब रिसेंटली न्यूज में आया था कि इंडिया में भी जो सीआरपीएफ के जवान है उसमें समथिंग अराउंड नाइन परसेंट वन डिजिट फिगर आर सफरिंग डायबिटीज एक्सेट्रा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ओवर वेट एक्सेट्रा तो हमारे यहां भी सीआरपीएफ के जवानों में नाइन परसेंट के अप्रोक्सिमेटली दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस यह हमारे यहाँ का न्यूज है रिसेंटली एक और भी आया था कि पुलिस मेफ यूर वर्किंग हाउ कम यूर है पीछे कैसे दौड़ोगे इट इज नॉट पॉसिबल सो Now UAE is also doing the same thing. the Ministry of Health and Prevention of UAE has said Kiya nowadays if somebody is like in the government sector so gaining weight slowly slowly right so it can be because of hormonal problem, it can be because of genetic problem or it can be a hereditary system as well where you cannot help it always it is because of something bad, right please please remember that. So, it aims that the employees will lose the weight. Achha, another scheme was like, Sarkari uh, employees ke should be in the Sarkari schools only, Ministers ke should be in the Sarkari schools only, etc. So, there are many such initiatives that people are uh, giving attention to. Finally, what is UAE capital? Abu Dhabi. Currency kya hai? Dirham. Very important. And yesterday, we had one country in news for the desert rose. Try to remember the National Museum Desert Rose, try to remember that country. The next one is about your multidimensional poverty index, and it says that 2018 global MPI estimate shows that today there are 1.3 million MPI poor people. This may say 83% kaharete hai Africa इधर दे स्टे इन the रीजन्स ऑफ अफ्रीका और दे स्टे इन the रीजन्स ऑफ एशिया या तो एशिया में रहते हैं इस तरफ टूवर्ड्स द ईस्ट राइट हाफ ऑफ द एम पी आई पुअर पीपल आर चिल्ड्रेन ज्यादातर तो उसमें से बच्चे ही है और अगर बच्चे ही इस तरीके से पुअर के साइकिल में फंस जाएंगे तो ये एक विग्लोरियस सर्कल बन जाएगा आगे चल के वो बड़े भी होंगे पुअर रहेंगे फिर से उनके बच्चे भी पुअर रहेंगे और इसी साइकिल में फिस जाएंगे इंटी परसेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन आर एम पी आई पुअर इन साउथ सुडान एंड नाइजर तो यहां पे नाइनटी परसेंट जो है वो बच्चे पुअर है नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन समझ रहे हैं आप बात को सौ में से नब्बे बच्चे सौ में से नब्बे बच्चे जो है वो एम पी आई पुअर में आते हैं राइट नेक्स्ट आगे बढ़िए 35 फाइव कंट्रीज एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन आर एमपीआई

इन एटलीस्ट हाफ ऑफ देशन लिविंग स्टैंडर्ड हेल्थ में अब खाना ही नहीं मिलेगा सीवियर पोवर्टी में रहेंगे तो ना हेल्थ अच्छा हो पाएगा खाना नहीं मिलेगा तो फिर एडुकेशन के लिए कोई क्यों राइट भूखे पेट ना भजन गोपाल और उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो भी काफी कम हो जाएगा सो कंट्रीज विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर लिविंग इन मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी वो कौन कौन से देश है इंडिया में 364 मिलियन पीपल है नाइजीरिया में 97 मिलियन है इथोपिया में 86 मिलियन है पाकिस्तान में 85 मिलियन है और बांग्लादेश में 67 मिलियन है सो डोंट सी इट एज 364 मिलियन है इंडिया में सी इट एज वी आर एनी हाउ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन राइट बट ऐसा बोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट तो इसीलिए हमारे में सबसे ज्यादा होगा वॉट वी कैन डू फ्रॉम आर साइड इज नेवर एवर थ्रो फूड अगर हर एक इंसान सिर्फ इतना कर लेना कि खाना नहीं फेंके अपने आप से वो खाना कहाँ चला जाएगा पॉवर्टी एलिमिनेशन में काफी ज्यादा इट विल हेल्प। आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर कभी भी कोई न्यू ड्रग आता है मार्केट में तो वो ड्रग आपने सुना होगा कि एनिमल्स पे पहले यूज होता है चूहा वगैरह उसके बाद एक इंसान पे टेस्ट होता है उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल एंड देन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो जो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर वन सिंगल पर्सन वो कहाँ से आता है इफ यू हैव विजिटेड सम सेंटर्स फॉर मेडिकल वहां पे आपको कहा जाता है कि आपका सब कुछ फ्री होगा यू पुट अ सिग्नेचर इन दिस और इससे यू विल बी इन सर्वे एंड इन ऑब्जर्वेशन फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट और नॉट बट इन माई प्लेस देर वॉज अ लेडी हु यूज टू कम एवरी मॉर्निंग फॉर द झाड़ू पोछा एंड she told this entire incident so that is why i came to know about it ki ha aisa normal logo ke sath hi hota hai they are asked are you willing to enroll in this koi kharcha nahi lega medicines ka if anybody has come across this situation then you can tell me ki ha aisa hota hai but yes it happens राइट right? अब न्यूज क्या है union health ministry obviously ऑब्वियसली किसमें आएगा हेल्थ मिनिस्ट्री क्वेश्चन आता है कौन सा मिनिस्ट्री तो आप उसको ध्यान से पढ़ के ज्यादातर न पिकअप की हाँ ये मिनिस्ट्री होगा ये मिनिस्ट्री होगा कभी कभी दिक्कत होता है बट अदरवाइज ये तो ऑब्वियसली हेल्थ वाला ही करेगा सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड एंड क्लिनिकल ट्राइल्स रूल टू थाउजेंड नाइनटीन ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्राइल्स रूल टू थाउजेंड नाइनटीन है ठीक है इसका एम क्या है इसका एम है प्रोमोटिंग क्लिनिकल रिसर्च इन द कंट्री मतलब देश में क्लिनिकल रिसर्च को प्रोमोट करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन फिर से तो क्लिनिकल रिसर्च तो हम लोग कर ही सकते हैं प्रोमोट राइट नेक्स्ट द रूल्स विल अप्लाई टू ऑल न्यू ड्रग्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स फॉर ह्यूमन यूज क्लिनिकल ट्रायल्स बायो इक्विवेलेंस स्टडीज एंड एथिक्स कमिटीज तो अगर ये एथिक्स कमिटीज सही से काम करें ना तो स्टिल द trials will be successful but not many people will be targeted in a negative way. the rules has reduced time for approving applications which has now come down to 30 days for drug manufactured in india and 90 days for डेवलप्ड आउटसाइड दी कंट्री अब नाइनटी डेज फॉर डेवलप्ड आउटसाइड दंट्री क्यों बाहर मान लीजिए तो अच्छा ही होगा बट अब इसको ट्राइल किस में करे राइट सो यूएस में पूछे जा रहे हैं सबको कि सर आर यू रेडी फॉर द सर्वे नहीं नहीं आई एम नॉट मेरे पर ट्राइल करोगे ड्रग्स का नहीं सो दे कम डाउन टू कंट्रीज विथ ह्यूज पॉपुलेशन द डेवलोपिंग कंट्रीज और, और उससे भी इजी टारगेट क्या होता है अंडर डेवलप कंट्रीज जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है द वेरी पोअर कंट्रीज खाने के लिए कुछ नहीं है डोंट यू थिंक दे विल गो फॉर इट ओके दिस इज द अमाउंट दैट वी विल बी गिविंग यू एंड दिस आर दिंग सो एंड रूल आर ऑल्सो फ्लेक्सीबल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं अगर नहीं सीधे से बना तो एंड दे विल ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफ एथिकल कम्यूटीज विल बी स्ट्रांग

चुप है मतलब इसे हम हा समझेंगे राइट सो दैट इज द केस आगे बढ़ता है द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स सबसे पहले स्टडीज होगा इन द लैब देन स्टडीज इन एनिमल मॉडल्स एंड देन ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल्स विल स्टार्ट In the human clinical trials, सबसे पहले एक इंसान पे ट्राई किया जाता है हाउ इट वर्क इन अ वेरी स्मॉल ग्रुप देन इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट जिसमें ट्राई किया जाता है एंड फाइनली इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट टू कंफर्म की हाँ ये इफेक्टिव है सेफ है राइट एंड नाउडे समल्सो प्रिफेर की नो एनिमल ट्रायल्स लिखा होता है कुछ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है उसमें लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी एनिमल ट्रायल जो है वो नहीं हुआ है राइट right? नेक्स्ट इज अबाउट योर शारदा पीठ कॉरिडोर यह क्या है ये बेसिकली एक आपका बहुत ही पुराना मंदिर है जो पीओके में आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है आपको पता होगा दैट दिस पार्ट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दिस पार्ट इज योर आकसाइड चीन चीन ऑक्युपाइड कश्मीर सो दैट पार्ट दैट इज योर पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर उसके बारे में इसमें बात हो रहा है द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ प्रोपोजल टू एस्टैब्लिश अरिडोर एक कॉरिडोर एस्टैब्लिश करेंगे कि हाँ यहां से वहां तक आप जाइए गुरुद्वारा के लिए भी पहले बात हो रही थी तब उन्होंने मना कर दिया था दैट विल कि लैंड स्वैपिंग कर लीजिए ये आप रखिए वो ये हमें दे दीजिए सो लैंड स्वैपिंग कर लेते हैं जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया था बट डेर दे सेट लैंड स्वैपिंग करेंगे तो कश्मीर के साथ ही करेंगे नथिंग लेस देन दैट बट दिस टाइम दे हैव दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ कॉरिडोर दैट विल अलाउ हिंदू पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू विजिट शारदा पीठ एन एंशियंट हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल साइट इन पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर की हाँ एक कॉरिडोर स्टेब्लिश करेंगे और आप जाके विजिट कर सकते हो ठीक है इंडिया हैड ऑलरेडी सेंट अ प्रपोजल टू पाकिस्तान टू ओपन द टेम्पल कॉरिडोर की इसको ओपन कर दीजिए द कॉरिडोर वेन ओपनड विल बी द सेकेंड रिलीजियस ट्रैक आफ्टर करतारपुर कॉरिडोर यह करतारपुर कॉरिडोर है सिर्फ टेरिटरी स्वैपिंग तो कभी हुआ ही नहीं राइट ये सिर्फ एक बनाया गया कि हाँ यहां से जाके वहां विजिट करके वापस आ जाए

पार्टिशन के बाद क्या हो गया था वो आपका ऑफ कश्मीरी तो आपको पता ही है रीलोकेट कर दिए गए तो उसके बाद उनके जो मोस्ट uh, इंपॉर्टेंट एक तो अमरनाथ टेम्पल आपको पता है अमरनाथ टेम्पल में अगर आप जाएंगे तो दोनों तरफ आपके सोल्जर्स खड़े रहते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट उसके अंदर जाया जाता है राइट right? सो दट एवरी थिंग इज सेफ सो एक तो वो चला गया दूसरा आपका मार्टार्ड सन टेम्पल एंड थर्ड इज योर शारिडोर उन तीनों में से एक है आपका श्रद्धा पीठ कॉरिडोर कश्मीरी पंडित कंसिडर शारदा एज देर कुल देवी और प्रिंसिपल डेटी शारदा को कश्मीरी पंडित अपने कुल देवी के देवी मानते हैं राइट सो दिस इज इन हिंदी एज वेल पाकिस्तान सरकार तो आप इसको भी पढ़ सकते हो नाउ द नेक्स्ट हाउ रॉक्स इन मेघालय केव कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मॉन्सून टू एल नीनो आई डोंट नो वेदर यू हैव विजिटेड मेघालय वेदर यू हैव विजिटेड द स्टेट इन दन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय द प्लेस इज फेमस फॉर मेनी रीजन नंबर वन मौसेंड्रम ये है आपका वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस यहां पे बारिश जो है आपका सबसे ज्यादा होता है इससे पहले क्या था चेरापुंजी था अभी मौसिंद्रम है चेरापुंजी और मौसंद्रम दोनों ही मेघालय में हैं रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू एशिया क्लीनेस्ट विलेज हैव यू हर्ड अबाउट इट एशिया क्लीनेस्ट विलेज मतलब आप सड़क पे चलोगे आपको एक पत्ता भी नहीं नजर आएगा एंड डू यू नो अबाउट दिस लीव्स जो हम लोग खाने में डालते हैं बे लीव्स जैसे हम लोग बोलते हैं बे लीव्स वहां पे बे लीव्स का ही जंगल जैसा बना हुआ है सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बे लीव्स का ही जंगल जैसा तो उसका थोड़ा बहुत खुशबू भी स्मेल ऑल्सो यूल नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट खुशबू भी यू विल कीप ऑन गेटिंग वॉट इज दैट दैट इज योर मोल्योंग मॉल्योंग इज द एशियाज क्लीनेस्ट विलेज लोकेटेड इन मेघालय मोसिंड्रम इज ऑल्सो लोकेटेड इन मेघालय याद कैसे रखेंगे एम फॉर मेघालय एम फॉर मोल्यो एम फॉर मोसिंड्रम एंड ऑल्सो गारो खासी एंड जैंतिया दीज आर द थ्री हिल रेंजेस गारो खासी हिल्स आर वेरी फेमस इन मेघालय अब अगर हम मॉनसून्स के बारे में बात करें पहले मेघालय के बारे में क्लियर हो गया ये तीन पॉइंट्स आपको यहां पे याद रखना है और यही पे चेरापुंजी में ये जो चेरापुंजी वहां पे जो लोग जाते हैं किस लिए जाते हैं पहले तो वेटेस्ट स्पेस था ठीक है सो वेन आई वेंट आई थॉट कि चलो रंग भी जाके देखते हैं क्या पता कुछ और दिख जाए राइट right? सो so, चेरापुंजी में जो लोग जाते हैं वो क्या देखने जाते हैं बेसिकली दे गो टू सी दी केव्स दे आर मेड ऑफ लाइम स्टोन स्टेलेक टाइट स्टेलेक माइंड लाइम इस तरीके से ऊपर से और इस तरीके से नीचे से सो लाइम स्टोन जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न वहां पर बनाती है वेरी ब्यूटिफुल केव्स अलग अलग पैटर्न वहां पे बना हुआ है अब नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को जो है मानसून रेनफॉल वैसे भी दो बार मिलता है एक बार जाते वक्त एक बार रिट्रीटिंग मानसून से तो कौन सा खास बात है राइट द खास बात इज द रॉक्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग

Tamil Nadu, please remember, Tamil Nadu gets the winter rainfall, right? India's summer monsoon, which brings about 70% of annual rainfall in the country, is already known to be heavily influenced by variability in the sea. सरफेस टेम्परेचर ऑन दैसेफिक ओशन बिल्कुल और सी सरफेस टेम्परेचर के इसी फ्लक्चुएशन को जो इंक्रीज हो जाता है उसी कंडीशन को हम 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 क्या कहते उसे हम Nino, -so, कहते है, -so, Nino, हम कहते हैं 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 उसे एल एल नीनो नीनो साउदर्न साउदर्न ऑसिलेशन ऑसिलेशन एनसो एनसो इसे ठीक है फॉर एग्जाम्पल पेसिफिक ओशन के ऊपर का जो टेम्परेचर है विंटर्स में ठंडा होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल वो गर्म हो गया राइट तो दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन शॉर्ट ओके लेट्स प्रोसीड आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन इज योर ग्रेप्स कौन सा खाने वाला क्या ग्रेप्स थ्री मोन टेलीस्कोप फैसिलिटी खाने वाला नहीं टेलीस्कोप फैसिलिटी इन ऊटी मेजर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल साइज एंड हाइट ऑफ अ थंडर क्लाउड थंडर क्लाउड का पोटेंशियल कितना है आपने जब भी देखिए जब भी आपका थंडर स्टॉम होता है देन सिंस लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड सो फर्स्ट यू सी दी लाइट एंड आफ्टर दैट यू हियर द साउंड साउंड हेयर करने के बाद कान बंद कर लेते कुछ लोग देर इज नो यूज क्योंकि ऑलरेडी थंडर हो चुका है द लाइट हैजरेडी पास्ड तो उसके बाद आपको सुनाई दिया तब डर के भी कोई फायदा नहीं है वाई नो यूज ऑफ गेटिंग स्कैड बिकॉज इट हैजरेडी हैपेन्ड आफ्टर दैट यू आर हियरिंग द साउंड सो नो यूज ऑफ बिकमिंग स्कैड आफ्टर इट हैज ऑलरेडी हैपेन्ड राइट नाउ सी डोंट यू थिंक दिस लाइटनिंग हैज सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये तो अंडरस्टूड है जब इतना ब्राइट लाइट इट्स इट इज देयर सो इट हैज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एज वेल राइट सो दिस टेलीस्कोप दैट इज योर ग्रेप्स थ्री खाने वाला नहीं क्या है फुल फॉर्म गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जाइज फेज थ्री ग्रेप्स थ्री दिस टेलीस्कोप can measure what is the electrical potential the pura ghar lightning kar sakte. Kya kar sakte? what is the size and what is the height of the thunder cloud so it is designed to study the cosmic rays with an array of air shower detectors Kahan pe ye located hai? it is located in uti in india and started as a collaboration of tata institute of fundamental research mumbai किस किस के कोलेबरेशन के साथ हमने इसको स्टार्ट किया टाटा इंस्टीट्यूट एंड ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ जापान तो जापान का यूनिवर्सिटी ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी एंड टाटा इंस्टीट्यूट दोनों के कोलैब में वी हैव स्टार्टेड इट राइट प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग द सेशन राइट नेक्स्ट क्या है लर्निंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थंडर थंडरक्लाउस उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम इससे लर्न कर सकते हैं और इससे हम आगे क्या कर सकेंगे यूजफुल फॉर नेविगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट अब मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है उधर से लाइटनिंग इज हैपनिंग सो विल इट नॉट हैपन की शॉर्ट सर्किट हो जाए हो सकता है तो उसको एटलीस्ट हम प्रिवेंट कर सकेंगे एंड मे बी इन द फ्यूचर वी कैन ऑल्सो हार्डनेस दिस लाइट एनर्जी एंड यूज इट इन द ट्यूबलाइट एंड किचन ऑफ आर होम्स राइट नो वन हैज एवर मेजर्ड पोटेंशियल साइज एंड हाइट ऑफ द थंडर क्लाउड साइमल्टेनियसली कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं था कि एक साथ हमने इसको मेजर किया बट एक अंगूर से ग्रेप से इट इज नॉट एन अंगूर अगेन इट इज एक्चुअली द गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जाइज फेज थ्री टेलीस्कोप इट इज एक्चुअली अ टेलीस्कोप ओके चलो प्रोसीड फर्दर सो आज के इस हिंदू सेशन में आज के इस करेंट अफेयर सेशन में वी हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल दी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स from the hindu newspaper and indian express and a few other newspapers were there so i hope uh, that you guys enjoyed the session with me if yes then please uh, hit the like button Let's go hit kj like button ko right and share it with your friends in your social media platforms like facebook twitter or whatsapp wherever you are right and from tomorrow kusar will be continuing with the sessions so he will be back again so i hope